अस्सलाम वालेकुम भाई जान। ये आटे वाली चक्की है, ये 29 हॉर्स पावर के पीटर के ऊपर लगी हुई है। इस 29 हॉर्स पावर के पीटर के ऊपर ट्यूबवेल भी चलता है और ये चक्की भी चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ट्यूबवेल भी दिखाता हूँ। ये इसका साइज है 50x48, 50x48 की चक्की है ये। इसकी एवरेज भी मैं बताता हूँ आपको। ये उमर नेशनल की चक्की है और जब इसका ट्यूबवेल चलाना होता है तो इसका बैंड उतार कर पट्टा लगा दिया जाता है। जब चक्की चलानी होती है तो ये लगा दिया जाता है, बेल्ट पट्टा उतार दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चला कर भी दिखाऊंगा और मैं आपको ट्यूबवेल भी दिखाता हूँ। ये कांटा लगा है, अभी मैं आपको ट्यूबवेल भी दिखाता हूँ जो कि इसके दूसरी तरफ ट्यूबवेल लगा है। ये ट्यूबवेल है, बड़ा ट्यूबवेल है जी, 8 नीचे बोर 8 का है और ये 6 की डिलीवरी है इसकी। 29 हॉर्स पावर के पीटर पर ये लगाया है। ये पीटर डीजल के ऊपर चलता है। इस चक्की की तकरीबन एवरेज बनती है 5 मान, 4.5 मान 1 घंटे की एवरेज बनती है इस पीटर के ऊपर। 1 घंटे में 5 मान निकालती है ये चक्की। अभी मैं ये आटा भी पीस कर दिखाऊंगा इस चक्की के ऊपर। ये जो एक गट्टू मैं आपको पीस कर दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद जी। ये आज रात को बारिश हुई है, ये गंदम का हाल हुआ है जी, बहुत तेज़ बारिश हुई है जी। ये गंदम की पोजीशन बनी है, ये सब गिर चुकी है। अभी मैं आपको चक्की का विजिट कराता हूँ जो कि हमने आपको गंदम पीस कर दिखानी है। हमने ये गंदम इन पीपों में डाल दिया है, अब ये चक्की के अंदर डालेंगे। ये जो गंदम है, ये जो है ना 48 ब्लेड वाली चक्की है और इसका ये मैं सीधा कपड़ा लगाया है। और ये जो है ना इसकी पीटर की पानी वाला पंप है, ये मैंने अच्छा वाला लगाया है डायमंड का, ये बहुत बेहतरीन पानी देता है। मैं ये चला कर आपको दिखाता हूँ। ये गंदम सूखी हो तो ये तकरीबन 6 मान के ऊपर भी इसकी 1 घंटे की एवरेज जाती है। जो पानी आ रहा है ये वो डायमंड वाले पंप का आ रहा है। आपको मैं जल्दी दिखाता हूँ। Thank you.
डायमंड वाले पंप का पानी है जो कि हम इसको पौधों को लगा देते हैं। पानी बह वाला ये इन दरख्तों को लगा लगता है जो दरख्त हैं उनको पानी लगता है। ये हमारा आटा तैयार हो गया है, ये अब रोटी के लिए तैयार है। भाईजान अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए जो के नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा के जो ट्वेल की चलाकर दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको चक्की चलाकर दिखाई है और अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं ट्वेल चलाकर भी दिखाऊंगा। तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया दोस्तों। अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बनाकर ट्वेल की भी दिखाएंगे।